मॉर्निंग टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। तुम सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास तुम्हें दिया हुआ है 14.5678 ग्राम, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ बेटा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमें दिया हुआ है बेटा 14.5678 ग्राम। इस मास को हमने एक एनालिटिकल बैलेंस से मेजर किया। क्या किया बेटा, इस मास को हमने एनालिटिकल मेजर से मास किया, क्या किया, मेजर किया। तो उस एनालिटिकल बैलेंस की जो एक्यूरेसी थी किसकी, एनालिटिकल बैलेंस, तो उसकी एक्यूरेसी थी बेटा 0.0001 ग्राम। देखो बेटा, हम जाते हैं दुकान पे कोई चीज लेने के लिए, अब जो उसका जो वेइंग मशीन होती है वो 0.0 नहीं होती, हमेशा 0.0000 नहीं होगी, वो क्या होती है 0.0001 कुछ डिजिट शो कर दी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्यूरेसी बोलते हैं, क्या बोलती है, एक्यूरेसी। तो इस एनालिटिकल बैलेंसेस का मास 14.67 आया, 678 ग्राम आया। तो अब इसका जो एक्चुअल मास होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 14.678 प्लस माइनस 0.001 आएगा। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल मास होगा, एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा बेटा, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, इट मीन्स इट विल लाई बिटवीन 14.677 टू 14.5679, ठीक है। तो अब इसमें देखो बेटा, टोटल डिजिट हमारी कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है। तो इस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच, इन दोनों क्या, तो ये वैल्यू ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग की 5 डिजिट्स आर सर्टेन, 5 डिजिट इसकी क्या है बेटा, सर्टेन है, बट लास्ट डिजिट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। लास्ट डिजिट में क्या है, अनसर्टेनिटी है, और कितनी अनसर्टेनिटी है बेटा, क्या तो प्लस वन या फिर माइनस वन। तो अगर हम बात करें तो सभी मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, अनसर्टेन होगी, क्या होगी, अनसर्टेन। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी डेफिनेशन किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बेटा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर including the last digit whose value is uncertain, last digit की value कैसी रहेगी बेटा, uncertain, तो उसको हम क्या बोलेंगे, significant figure, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, significant figure क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका मास 14.5678 ग्राम आया, इसको हमने वेट किया और उस अपार्टस की या उस बैलेंस की जो एक्यूरेसी थी वो 0.001 ग्राम थी। तो अब इस पर्टिकुलर मास ऑफ ऑब्जेक्ट में अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, प्लस या माइनस 0.001। तो जो एक्चुअल मास होगा ऑब्जेक्ट का वो हमारा 14.5677 होगा या फिर क्या होगा, 14.5679। तो देखो दोनों के अंदर स्टार्टिंग की 5 डिजिट कैसी हैं, सर्टेन है, कैसी हैं, सर्टेन है, और लास्ट डिजिट के अंदर अनसर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, क्या तो प्लस वन या फिर माइनस वन। तो यहां से मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन समझा दी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। अभी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक नंबर था, इसमें टोटल डिजिट हमारे कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 है,
तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगी वो हमारी क्या होती है, अनसर्टेन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया बेटा। अब आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रूल होंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे बेटा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, एज वेल एज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। क्या बताया मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो को छोड़ के अगर कोई भी डिजिट है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट एज वेल एज, एज वेल एज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें कहा 5, 7, 6, तो इसमें सारी डिजिट कैसी है, नॉन जीरो, तो ये सारी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, 3 आएगी। मैंने लिखा 0.48, ये जीरो है, स्टार्टिंग में है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने डिजिट है यहाँ सिग्निफिकेंट, 2। मैंने लिखा 5004, अब यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो इज प्लेस्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4। मैंने कहा 2.05, यहाँ जीरो है लेकिन जीरो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा, कितनी होंगी, 3 होंगी। ओके, ये रूल क्लियर हुआ बेटा। सेकंड रूल देखो, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो बेटा क्या, जैसे मैंने तुम्हें कहा 0.050, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा 0.05, मैंने कहा 0.00210, ठीक है, तो यहां मैं तुम्हें बता रही हूं कि ये हमारी क्या हो गई, नॉन जीरो डिजिट। अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे यहां नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो है, तो इसके जो लेफ्ट साइड में जीरो है ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे यहां देखो बेटा 2 है नॉन जीरो, तो इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो है ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके अंदर देखो 1 और 2, सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, 2, इसमें कितना आएगा बेटा, 1। अब ये जीरो नॉन जीरो से पहले सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसके अंदर कितनी आएंगी, 3 आएंगी, क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल देखो, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, देन दीज आर सिग्निफिकेंट। अभी देखो बेटा, अभी तुम एक चीज समझो, लेफ्ट में थी तो कैसी थी, नॉट सिग्निफिकेंट, और राइट में जीरो होंगी तो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। देखो जैसे मैंने लिखा 5.0, मैंने लिखा 2.50, मैंने तुम्हें दिया 0.020, मैंने कहा 0.04000, तो अब यहां देखो इन एग्जांपल्स में देखो बेटा, यहां नॉन जीरो डिजिट है और इसके राइट साइड में जीरो है,
और डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। कितनी आएंगी इसमें? दो। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, तीन। अब लेफ्ट साइड की सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो कितनी सिग्निफिकेंट आएंगी? एक, दो, तीन। यहाँ देखो लेफ्ट साइड की सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, कितनी सिग्निफिकेंट? वन, टू, थ्री, फोर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये? लास्ट रूल देखो बेटा, फोर्थ रूल। इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दी जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, देन दीज जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। देखो बेटा, जीरो राइट साइड थी और वहां पे डेसिमल पॉइंट है, तो वो 100% क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। अब इसमें जीरो हमारी राइट साइड है लेकिन उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो जीरो हमारी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी होंगी। एक एग्जांपल से बेटा मैं तुम्हें ये चीज क्लियर करवा रही हूं। जैसे मैं कहूँ 10200, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? अब बेटा जीरो नॉन जीरो के राइट साइड है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो जीरोस है ये हमारी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हम कहेंगे इट मे हैव थ्री भी हो सकती है। अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो कितनी डिजिट होंगी बेटा? थ्री। अगर होंगी तो क्या होंगी? फोर या फिर और फाइव। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हो सकती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई भाई, एक ही नंबर में हम दो भी बता रहे हैं, तीन भी बता रहे हैं, चार भी बता रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए देखो, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिख देंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बेटा? n इंटू 10 की पावर n, ठीक है। n क्या है बेटा यहाँ पे? n है हमारा जनरल नोटेशन। n क्या है? जनरल नोटेशन इज ए नंबर। ये क्या है n? क्या बेटा? इट इज ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। क्या बताया? एक नंबर होगा, इज ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट, मींस जैसे डेसिमल आ गया, इसके लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होंगी, एक से ज्यादा नॉन जीरो नहीं होंगी, और 10 की पावर n। तो ये क्या हो गया? n यहाँ पे एन इंटीजर, यहाँ एन कोई इंटीजर होगा, विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल। जैसे अब मैंने तुम्हें नंबर दिया 10200, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1.02 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1.020 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। क्या तुम इसको लिख सकते हो 1.0200 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो n क्या है? एक नंबर जिसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही डिजिट होगी। देखो सभी में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, और 10 की पावर n, तो n यहाँ पे क्या था? एक्सपोनेंशियल था। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखो 1। अब बेटा डेसिमल के राइट साइड जीरो है, और जीरो क्या है? बिटवीन टू नॉन जीरो, तो ये भी हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? 3। यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, तो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट, एंड दिस जीरो इज आल्सो बिटवीन टू नॉन जीरो, दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, सो नंबर विल बी 4। हेयर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5। शायद तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ बेटा कि हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी। टोटल नंबर डिजिट कितनी है किसी भी
एक बैलेंस के अंदर, उसके अंदर सारे डिजिट सर्टेन होंगी, सिर्फ लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स देखे। हमने देखा अगर जो जीरो है, मतलब कि जितने भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होंगी बेटा, सारी सिग्निफिकेंट होगी। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, राइट साइड में जीरो है और डेसिमल पॉइंट भी है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। राइट साइड में जीरो है और लेकिन वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ओके, क्लियर? थैंक यू।